hello students welcome back I had explained to you about present tense and the three forms of past tense I have given the link of those videos in the description un videos in this video I will explain you about fourth form of past tense that, that is past perfect continuous tense the past perfect continuous tense

रहा था रही थी रहे थे आदि में समाप्त होते हैं और काम के शुरू होने का समय दिया होता है इन इंग्लिश इन एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और for का प्रयोग मैंने प्रेजेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। वह बजे से सो रहा था। हैड बीन स्लीपिंग सिंस सिक्स ओ क्लॉक हम पंजाब में 2004 से रह रहे थे वी हैड बीन लिविंग इन पंजाब सिंस 2004। मैं चार घंटे से काम कर रहा था आई हैड बीन वर्किंग फॉर फोर आवर्स नो स्टूडेंट्स इन नेगेटिव सेंटेंस द फॉर्मेट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर एंड टाइम यहां पर हम हैड और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं लेट्स लुक एट अ फ्यू सेंटेंसेस He had not been working for टू hours. वह दो घंटे से कार्य नहीं कर रहा था Boys Had नॉट been प्लेइंग क्रिकेट सिंस टेन ओ क्लॉक लड़के दस बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे आई हैड नॉट बिन सिटिंग फॉर वन आर मैं एक घंटे से नहीं बैठ रहा था नाउ इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस द फॉर्मेट इज been फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई ing. Plus object plus since or for plus time and then question mark. In interrogative sentence, when there are wh words, then we use it as wh word plus had plus subject plus been plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time, then question mark. Question mark is used for interrogative. सेंटेंसेस। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ हुआ हो तो हैड प्रत्येक सब्जेक्ट से पहले आता है यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्यों कहाँ, कब कैसे या क्या आदि वाक्य के बीच में हो तो पहले इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे मतलब डब्ल्यू एच वर्ड और उसके बाद हम फॉर्मेट के हिसाब से उसको कन्वर्ट करेंगे और यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो बीन से पहले हम नॉट लगाएंगे लेट्स हैड द बेबी बीन वीपिंग फॉर वन आर क्या बेबी एक घंटे से रो रहा था वेयर हैड वी बीन गोइंग फॉर टू आवर हम दो घंटे से कहाँ जा रहे थे Who had not been playing hockey since 10 o'clock? Thus bajes hockey nahi kel rahata. So, students, in this video I have explained you about past perfect continuous tense. I am giving you some fill ups and translations for your self-assessment. You can comment your answers, queries, and suggestions in the comment box. Here I have finished explaining past tense. I will start explaining future tense in my next videos. Thanks for watching.